नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 14 अक्टूबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बीपीएससी ने निकाली बिहार पंचायत ऑडिट सेवा में ऑडिटर की भर्तियां। बिहार लोक सेवा आयोग ने पंचायत ऑडिट सेवा में 373 पदों पर भर्तियों की मांग की है। जारी किए गए आवेदन में 150 पद जनरल, 37 पद ईडब्ल्यूएस, 45 ओबीसी, 11 ओबीसी महिला, 67 ईबीसी, 59 एससी और 4 एसटी वर्ग के लिए निकाला गया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 21 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। अगर इसकी अंतिम तारीख 18 नवंबर तय की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास कॉमर्स, इकोनॉमिक्स या मैथ्स में किसी एक विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होना और MBA, CA, ICWA और CS डिग्री धारक भी इन पदों के लिए आवेदन भर सकते हैं। औरंगाबाद के पर्यटन स्थल में उमगा मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। मदनपुर प्रखंड के उमगा पहाड़ी पर स्थित भगवान सूर्य का ऐतिहासिक, धार्मिक एवं प्राचीन उमगा मंदिर है। यह मंदिर जिले ही नहीं बल्कि राज्य की धरोहर सूची में शामिल है। 1496 ईसा में सूर्यवंशीय राजा भैरवेंद्र ने मंदिर के गर्भगृह में बलराम और सुभद्रा की प्रतिमा स्थापित की थी। बाद में यह प्रतिमा समाप्त हो गई। प्रतिमा को समाप्त होने के बाद भगवान सूर्य की प्रतिमा स्थापित हुई। तब से यह मंदिर सूर्य मंदिर के नाम से विख्यात हुआ। पंचतत्व में विलीन हुए बिहार सरकार के नेता विनोद सिंह। बीते दिन कैबिनेट मंत्री विनोद सिंह का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मिली जानकारी के अनुसार कैबिनेट मंत्री विनोद सिंह का पार्थिव शरीर मंगलवार की सुबह ही उनके पैतृक गांव कटिहार के मनसाही पहुंचा दिया गया था। स्थानीय लोगों की माने तो मंत्री के शरीर को तिरंगे में लपेट कर उनके गांव पहुंचाया गया था। पार्थिव शरीर जैसे ही उनके गांव पहुंचा पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मनिहारी के गंगा तट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी छोटी बेटी क्रिस्टी ने उन्हें मुखाग्नि दी। इतना ही नहीं, स्वर्गीय विनोद सिंह को पुलिस जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। गांव और गंगा तट पर मंत्री विनोद सिंह अमर रहे के नारे भी गूंज उठे। वहीं उनके गुजर जाने के बाद प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि पार्टी ने एक सच्चे कार्यकर्ता को खो दिया है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने तीसरे चरण के प्रत्याशियों की पहली सूची की जारी। बिहार विधानसभा चुनाव में उतरी प्लूरल्स पार्टी ने तीसरे चरण के प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसके परिणाम स्वरूप पहले चरण के तहत 13 प्रत्याशियों को जगह दे दी गई है। खास बात यह है कि पुष्पम प्रिया चौधरी की प्लूरल्स पार्टी ने खुद विस्पी सीट से मैदान में उतरने का फैसला लिया है। वहीं पुष्पम प्रिया चौधरी ने खुद सभी 243 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया है। आपको बता दें, पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी में हर वर्ग को प्रत्याशी बनाया गया है। लिस्ट में वकील, मैनेजमेंट प्रोफेशनल, साथ ही डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षाविद से लेकर किसान और सामाजिक कार्यकर्ताओं को टिकट सौंपा गया है। खास बात यह है कि सूची में उन्होंने खुद को जाति पॉलिटिशियन रखा है और इसके साथ ही सभी प्रत्याशियों के धर्म को बिहारी बताया है। बिहार दरोगा और इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा की तारीख एक ही दिन। बिहार दरोगा और इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा की तारीख एक ही दिन तय कर दी गई है, जिसके बाद छात्रों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि सभी परीक्षार्थियों ने बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को ज्ञापन दिया है और दरोगा मुख्य परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने का आग्रह किया है। रुपेश कुमार के नेतृत्व में बीपीएसएससी कार्यालय में गए प्रतिनिधि मंडल में लगभग 200 परीक्षार्थियों के नाम शामिल थे। तारीख टकराने के कारण वो यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सी परीक्षा दे और कौन सी परीक्षा को छोड़े। एक तरफ 6 साल पहले निकाले गए विज्ञापन की मुख्य परीक्षा बीपीएसएससी 29 नवम्बर को ली जा रही है, वहीं दूसरी तरफ दरोगा नियुक्ति परीक्षा का भी एक चरण पास कर चुका है। ऐसे में अभ्यर्थियों के लिए इसके मुख्य परीक्षा को छोड़ना मुश्किल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शुरू हुआ चुनावी दौर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब वर्चुअल सभा के बाद वास्तविक रूप से मैदान में उतरने वाले हैं, जिसके बाद वो आज से लगातार चुनावी सभाओं का हिस्सा बनने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से 4 विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। ज्ञात हो, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली चुनावी सभा बांका के अमरपुर में, दूसरी सभा भागलपुर के सुल्तानगंज में, तीसरी सभा मुंगेर के तारापुर और चौथी सभा पटना के मोकामा विधानसभा क्षेत्र में होगी। जिसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 अक्टूबर को भी 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पहली सभा जमुई के चकाई में, दूसरी सभा लखीसराय के सूर्यगढ़ में और तीसरी जनसभा शेखपुरा के बरबीघा विधानसभा क्षेत्र में और चौथी पटना के पालीगंज में होगी। तेज प्रताप यादव ने भरा नामांकन तो वहीं तेजस्वी को नहीं मिली जनसभा की अनुमति। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने बीते दिन हसनपुर सीट से नामांकन जारी कर दिया। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनके साथ कई लोग भी मौजूद रहे थे। वहीं मौके पर पहुंचे तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि महागठबंधन की सरकार बनना तय है। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव भी पहुंचे, लेकिन यह बात कही जा रही थी कि तेजस्वी यादव रोसड़ा में तेज प्रताप यादव के लिए चुनावी सभा कर अपने कैंपेन का आगाज करेंगे, मगर राजद को निराश
निराशा हाथ लगी। साझा की गई जानकारी के अनुसार समस्तीपुर प्रशासन की तरफ से तेजस्वी को चुनावी सभा कराने की अनुमति नहीं दी गई। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे शरद सागर की। शरद सागर का जन्म 24 अक्टूबर 1991 को बिहार के सिवान जिले के जरदाई इलाके में हुआ था। शरद सागर एक भारतीय सामाजिक उद्यमी और निपुणता ग्लोबल के संस्थापक और सीईओ हैं। उन्हें साल 2016 में फोर्ब्स 30 के तहत 30 सूची में शामिल किया गया है। सागर एक उद्यमी के रूप में शिक्षा और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उन्होंने 16 साल की उम्र में 2008 में निपुणता ग्लोबल स्थापित की। सागर ने ओस्लो में टेलीनॉर यूथ फोरम 2016 में भी भाग लिया था। वो क्वीन के यंग लीडर्स अवार्ड्स के लिए उपविजेता की स्थिति में पहुंचे थे। वहीं बिहार के शरद सागर हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति में एक्सपर्ट के तौर पर भी नजर आए थे, जहां सही जवाब बताने पर अमिताभ बच्चन ने उनकी तारीफ भी की थी। मुंबई पावर कट पर नीतीश मंत्रिमंडल के मंत्री ने कसा तंज। मुंबई के ग्रिड फेल होने के कारण पूरे मुंबई की बिजली गुल हो चुकी थी, जिसको लेकर मुंबई वासी काफी परेशान भी नजर आए थे। वहीं बिजली गुल होने पर राजनीति भी जोर शोर से देखी गई, जिसके तहत बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने मुंबई पावर कट को लेकर तंज कसा और ट्वीट करते हुए कहा कि मुंबई में बत्ती गुलबा, बिहार में लाइट फुलबा, ई काबा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, नामांकन का सिलसिला भी जारी है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ एनडीए लगातार इस बात का दावा करती रही है कि बीते 15 सालों में बिहार में बिजली की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। इतना ही नहीं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा था कि अब बिहार में बिजली आने की नहीं जाने की खबर आती है। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 1,98,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,223 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बिहार में बढ़कर 1,98,223 पर पहुंच गई है। वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी गई है। अगर प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 52, अरवल में 5, औरंगाबाद में 23, बांका में 21, बेगूसराय में 20, भागलपुर में 33, भोजपुर में 12, बक्सर में 3, दरभंगा में 15, पूर्वी चंपारण में 40, गया में 24, गोपालगंज में 22, जमुई में 29, जहानाबाद में 36, कैमूर में 2, कटिहार में 63, खगड़िया में 12, किशनगंज में 12, लखीसराय में 10, मधेपुरा में 27, मधुबनी में 15, मुंगेर में 22, मुजफ्फरपुर में 56, नालंदा में 22, नवादा में 26, पटना में 272, पूर्णिया में 98, रोहतास में 31, सहरसा में 39, समस्तीपुर में 25, सारण में 16, शेखपुरा में 28, शिवहर में 7, सीतामढ़ी में 7, सिवान में 18, सुपौल में 27, वैशाली में 31, पश्चिम चंपारण में 15 मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ ठीक होने वालों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो अब तक कुल मिलाकर 1,86,623 मरीज ठीक हो चुके हैं, वहीं 961 लोगों की जान जा चुकी है। भाजपा के बाद अब जदयू ने 15 नेताओं को दिखाया बाहर का रास्ता। भाजपा ने हाल ही में बागी बने नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया था, वहीं अब जदयू ने भी भाजपा के नक्शे कदम पर चलकर अपने 15 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सिर्फ यही नहीं, जदयू ने तो उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित तक कर दिया है। इन नेताओं में वर्तमान विधायक दद्दन यादव, पूर्व मंत्री रामेश्वर पासवान, भगवान सिंह कुशवाहा, डॉक्टर रणविजय सिंह, सुमित कुमार सिंह, कंचन कुमारी गुप्ता, प्रमोद सिंह चंद्रवंशी, अरुण कुमार युवा जदयू, तजमुल खान, अमरेश चौधरी, शिवशंकर चौधरी, सिंधु पासवान, करतार सिंह यादव, राकेश रंजन, मुंगेरी पासवान का नाम शामिल है। इसकी जानकारी प्रदेश महासचिव डॉ. नवीन कुमार आर्य ने दी है। नए मतदाताओं को स्पीड पोस्ट से मिलेगा निशुल्क वोटर आईडी। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को स्पीड पोस्ट से निशुल्क मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध होगा। चुनाव आयोग ने राज्य के सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को नए मतदाताओं को स्पीड पोस्ट के माध्यम से इपिक उपलब्ध करवाने की बात कही है, ताकि आम चुनाव में सभी जनता वोट दे सके। निर्वाचन विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार इन मतदाताओं को इपिक नहीं उपलब्ध होने की शिकायत सामने आ रही थी, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है। आयोग के निर्देश के अनुसार निर्वाचकों को निःशुल्क इसे प्रदान किया जाएगा। बिहार भाजपा ने काबा के जवाब में बताया बिहार में ईबा। बिहार विधानसभा चुनाव में भोजपुरी गाने से तंज कसने की राजनीति शुरू हो गई है। इसी क्रम में विपक्ष के काबा सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दिया है, जिसके तहत भाजपा ने भोजपुरी में ही बिहार में ईबा को जारी किया है। एनडीए सरकार की तरफ से किए गए कामों को भोजपुरी में वीडियो तैयार किया गया है, जिसमें कहा गया है कि एनडीए के राज में बदलन बिहार बा। आपको बता दें, जारी किए गए इस वीडियो के माध्यम से पार्टी ने बताया है कि एनडीए सरकार ने बिहार में क्या क्या किया है। इसके लिए 2.5 दर्जन वीडियो भी बनाए गए हैं। मंगलवार को इस वीडियो को सोशल साइट फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप ग्रुप पर एक साथ लॉन्च किया गया है।
सीबीएसई बोर्ड के 10वीं के कंपार्टमेंटल परीक्षा में मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए आज से कर सकते हैं अप्लाई। सीबीएसई ने बीते दिन 10वीं के कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद कुल मिलाकर लगभग 56.55% छात्रों ने परीक्षा में सफलता हासिल की है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पूरे देश में 1248 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। कोरोना को ध्यान में रखते हुए इस बार केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी की गई थी। इसके साथ ही बोर्ड ने मार्क्स वेरिफिकेशन और री इवैल्यूएशन के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। विद्यार्थी बोर्ड की वेबसाइट पर जानकारी ले सकते हैं। मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए 10वीं के विद्यार्थी 14 अक्टूबर से 15 अक्टूबर शाम 5 बजे तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद प्रत्येक विषय पर ₹500 शुल्क देना होगा। पहले चरण में बैलेट से वोट देने वालों की संख्या मिली 52,000। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की तारीख अब बस कुछ ही दिन दूर है। वहीं पहले चरण में मतदान के 52,000 से अधिक मतदाता पोस्टल बैलेट से मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। ये वो मतदाता हैं जो 80 साल से अधिक हैं। निर्वाचन आयोग ने इस बात की जानकारी दे दी है और बताया है कि राज्य में पहले चरण के मतदान का आयोजन 28 अक्टूबर को करवाया जाना है। पहले चरण के मतदान के लिए बूथ लेवल अफसरों द्वारा लगभग 4,00,000 मतदाताओं ने संपर्क किया था, जिसमें 52,000 मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट देने की इच्छा जताई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कोरोना को ध्यान में रखते हुए 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट से मताधिकार के प्रयोग का अधिकार दिया गया है। जदयू छोड़ राजद में शामिल हुए श्याम रजक को स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं मिली जगह। पूर्व मंत्री श्याम रजक की गिनती प्रमुख दलित चेहरों में की जाती है। कुछ समय पहले जदयू को इस्तीफा सौंपने वाले श्याम रजक को राजद ने कोई खास तवज्जो नहीं दी है। मिली जानकारी के अनुसार राजद का दामन थामने वाले श्याम रजक को पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, साथ ही साथ स्टार प्रचारकों की सूची में भी कोई जगह नहीं दी है। राजद के चुनाव प्रचार की धुरी इस चुनाव में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ही होंगे। इस बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार को लेकर पार्टी ने सोमवार को अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसमें लालू परिवार के 4 सदस्य शामिल है। पहला नाम पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का है। तेज प्रताप यादव और डॉक्टर मीसा भारती भी पार्टी के प्रचार की कमान संभालेंगी। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, पूर्व मंत्री शिवानंद तिवारी भी स्टार प्रचारक रहेंगे। कांग्रेस के 3 नेताओं की झूठी खबर फैलाने पर मचा हड़कंप। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कयासों का दौर जारी है। बीते दिन कांग्रेस की तरफ से 3 नेताओं को चयन समिति से बाहर निकाले जाने की खबर सामने आ रही थी, हालांकि यह खबर झूठी थी। बिहार में चल रही एक खबर के मुताबिक कांग्रेस के विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन में अनियमितताओं के बाद 3 वरिष्ठ नेताओं को चयन समिति से हटा दिया है, जिसमें बिहार कांग्रेस प्रमुख मदन मोहन झा, सीपीएल नेता सदानंद सिंह और चुनाव अभियान के नेता अखिलेश प्रसाद सिंह है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इन खबरों का खंडन किया है। पार्टी का कहना है कि ये आधारहीन खबरें हैं। पार्टी के बिहार चुनाव प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं। कोडरमा राजगीर रेल लाइन जल्द बनकर हो जाएगा तैयार। कोडरमा तिलैया राजगीर रेल लाइन का निर्माण जल्द ही करवाया जाएगा। इसके लिए रेलवे ने अपने सभी अधिकारियों को सर्वे का काम करने का आदेश दे दिया है। रेलवे अधिकारियों की माने तो कोडरमा तिलैया राजगीर रेलवे लाइन बन जाने के बाद कई इलाके बौद्ध सर्किट से जुड़ जाएंगे। रेलवे अधिकारियों ने बताया है कि कोडरमा राजगीर रेलखंड के बीच 5 बड़ी सुरंगें और 5 ब्रिज का निर्माण होगा। 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग और 5 बड़े ब्रिज बनेंगे। हाजीपुर के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया है कि 5 सुरंगों की लंबाई 1.5 किलोमीटर से ज्यादा है। इस तरह करीब 5 बड़े ब्रिज का निर्माण भी यहां होना है। अगले 2 वर्षों में रेल लाइन का कार्य पूरा होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने निश्चय संवाद के दौरान विपक्ष पर कसा तंज। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्टिव मोड में नजर आने लगे हैं। निश्चय संवाद के तहत अपने वर्चुअल रैली के दूसरे दिन उन्होंने विपक्ष को खूब खरी खोटी सुनाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार कोरोना की वजह से चुनाव प्रचार का समय काफी कम है, ऐसे में सभी जगहों पर पहुंचना संभव नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोगों की आदत नहीं है कि बिना वजह के प्रचार करें। हम काम में विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ लोग तरह तरह की बातें करते हैं। नीतीश कुमार लालू राबड़ी पर निशाना साधते हुए कहा कि पति पत्नी के राज में कौन सा विकास का काम किया, कौन सा कानून व्यवस्था का काम किया। सही बात है, आज की पीढ़ी को बताया जाना चाहिए कि पहले की क्या स्थिति थी। पहले कोई शाम के बाद घर से निकलता था क्या? उन्हें बस अल्पसंख्यकों के वोट से मतलब है, सेवा नहीं बस मेवा खाना जानते हैं। बिहार में अकेले मैदान में उतरेगी एनसीपी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने बीते दिन आगामी विधानसभा चुनाव में अकेले उतरने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि एनसीपी महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि एनसीपी महागठबंधन का हिस्सा होना चाहती थी, लेकिन हमें उस तरह की तरजीह नहीं दी गई, इसलिए हम अकेले चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि शिवसेना के साथ हमारी कोई चर्चा नहीं हुई है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि हमें अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरने दे। सूत्रों की माने तो एनसीपी बिहार में 40 सीटों पर मैदान में उतरेगी।
राघोपुर से तेजस्वी यादव आज करेंगे नामांकन। राजद नेता तेजस्वी यादव आज राघोपुर से अपना नामांकन कर सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार तेजस्वी यादव आज सुबह 11 बजे अपना नामांकन भरेंगे। इस दौरान उनके साथ उनके भाई तेज प्रताप यादव, राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, अब्दुल बारी सिद्दीकी भी मौजूद रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इस बार राघोपुर से तेजस्वी यादव का सीधा मुकाबला भाजपा के सतीश यादव से होने वाला है। सतीश यादव लगातार तीसरी बार अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। 2010 में सतीश ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को हराया था, जबकि 2015 में तेजस्वी से मात खा गए थे। इस बार भी सभी की निगाहें तेजस्वी यादव की सीट पर लगी हुई है। प्रधानमंत्री किसान मोबाइल ऐप से मिलेगा रजिस्ट्रेशन से लेकर तमाम सुविधा। किसानों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की शुरुआत की गई थी, जो किसान के लिए काफी फायदेमंद थी। इस योजना की मदद से कोई भी किसान जुड़कर 6000 रुपए पा सकता है। 2000 रुपए की 3 किश्त के लिए अब घर बैठे बैठे आसानी से अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पंजीकरण के लिए सरकार ने मोबाइल ऐप भी बना दिया है, जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप की मदद से आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, पंजीकरण और भुगतान के बारे में स्थिति जान पाएंगे। साथ ही स्कीम के बारे में भी सारी जानकारी आपको आसानी से मिलेगी। गूगल ने अनुष्का शर्मा को बताया राशिद खान की पत्नी। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने साल 2017 में ही एक दूसरे से शादी कर ली थी, मगर गूगल अब अनुष्का शर्मा को राशिद खान की पत्नी बता रहा है। दरअसल गूगल पर अफगानिस्तान के स्टार क्रिकेटर राशिद खान की पत्नी को सर्च करने के रिजल्ट में अनुष्का का नाम देखने को मिल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में राशिद खान ने इंस्टाग्राम चैट सेशन के दौरान उनकी फेवरेट बॉलीवुड अभिनेत्री का नाम पूछा गया था, जिसमें उन्होंने अनुष्का शर्मा का नाम लिया था, जिसके मीम्स अब शेयर होने लगे हैं। इसके बाद लोगों ने अनुष्का शर्मा और राशिद खान को एक साथ सर्च करना शुरू किया, और यही वजह है कि शायद गूगल सर्च में राशिद खान की पत्नी लिखने पर अनुष्का शर्मा का नाम सर्च में आने लगा है। रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में उतरे रितेश देशमुख। सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती लगातार सुर्खियों में बनी हुई थी। वहीं एनसीबी के हस्तक्षेप के बाद लगभग 28 दिनों तक सलाखों के पीछे भी गुजरी थी। उसके बाद रिया चक्रवर्ती को रिहा कर दिया गया है, मगर उनकी रिहाई के बाद बॉलीवुड दो फाड़ में बटा हुआ दिख रहा है, जहां कुछ लोग अभी भी रिया को वापस भेजने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं रितेश देशमुख समेत कई कलाकारों ने उनको हिम्मत रखने की नसीहत दी है। इसी क्रम में रितेश देशमुख ने रिया को एक बार फिर से सपोर्ट किया है, जिसके तहत उन्होंने रिया के मैसेज का स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें रिया ने लिखा था कि वो उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने वाली है जिन्होंने उनके बारे में झूठी बातें कही हैं, जिसको शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि तुम्हें और ताकत मिले रिया, सच से ज्यादा शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 13 अक्टूबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,540 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,540 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 63,600 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 83.77 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 76.13 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा, उनके नाम है संजय महोली, शशि भूषण, बंधु झा, अजय कुमार यादव, ईश्वर प्रसाद सोनी, कुमारी उजाला चौधरी, मौर्य प्रदीप सिंह, दीपक कुमार शर्मा, इंदल कुमार, बबलू राज, राजवीर राणा, प्रेम कुमार, रणवीर कुमार, गोलू कुमार, सोनू कुमार, राम कुमार, बलराम शर्मा, प्रेम कुमार, संजय प्रसाद, रणधीर कुमार पासवान, अभिषेक किंग। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।